मीरा जी, क्या हुआ? अरे मीरा जी को मतलब यहाँ पर आई थी क्या वो? नहीं पापा, यहाँ पे तो नहीं। हुआ क्या? नहीं, अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। इससे इतनी सुबह उठती तो नहीं है वो, तो फिर कहाँ जा? ये बाहर का दरवाजा खुला है, तुम गए थे क्या बाहर? नहीं पापा, तो नहीं गया, आके रूम में सो रही है। तो बाहर जाकर देख कर आता हूँ। पापा रुकिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं देख कर आता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो फोन कर दूंगा। ठीक है पापा। मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, ये आवाज तो मीरा जी की थी। मीरा जी, आप ठीक तो हैं? मीरा जी, मीरा जी, आप ठीक हैं? क्या हुआ? डर गई ना आप भी हमारा चेहरा देख के? इसी वास्ते हम अपना चेहरा दुनिया से छिपाए फिरते हैं। और आप चाहते हैं कि हम ये चेहरा लेकर तिवारी जी के सामने आ जाए? मीरा जी, मुकुंद जी, क्या कर रही हैं आप? मीरा जी, मीरा जी, जाने दीजिए हमें। देखिए, अब आप नहीं भाग सकती हैं, आप कहीं नहीं जा सकती हैं। मुकुंद जी ने मेरी आवाज़ सुन ली है, उन्हें पता चल गया है, अब वो हमें ढूंढ ही लेंगे। आपको सामने आना ही होगा उनके। आप बात समझिए हमारी, हम मुकुंद जी के सामने नहीं आ सकते हैं। छोड़िए, हमें जाने दीजिए। देखिए रेणुका जी, अब आपको मुकुंद जी के सामने आना ही होगा। शायद यही हमारी किस्मत है, आपकी भी और मेरी भी। हमने कहा ना हमें नहीं मिलना है तिवारी जी से, आप समझत काहे नहीं है। हमें जाने दीजिए, छोड़िए हमारा हाथ। मीरा जी, जी तो जेल में थी। मुकुंद जी ने देख लिया है हमें। अब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं जो कह रही थी वो सच है, वरना अब तक तो लोग मुझे पागल समझ रहे थे। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, वो जिस चेहरे से प्यार करे थे, अब वो चेहरा हमारे पास नहीं है। अब वो चेहरा आपका है, वो हमसे नहीं, वो आपसे प्यार कर रहे थे। हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए हमें। बस इतना ही समझिए आप मुकुंद जी को। अरे उन्हें आपके चेहरे से नहीं, आपसे प्यार है। वो आपको इस चेहरे के साथ भी उतना ही प्यार करेंगे, उतने ही मान सम्मान के साथ रखेंगे। एक बार उनके सामने तो आइए, कितने खुश हो जाएंगे वो ये जान के कि आप जिंदा हैं। झूठ है जी, हमें कौनो याद नहीं करत, कौनो प्यार नहीं करत। हमें हमें इन सब बातों से कौनो मतलब नहीं है। हम किसी के जीवन में वापस नहीं आना चाहते। छोड़ दीजिए हमें, जाने दीजिए हमें। कैसी बातें कर रही हैं आप रेणुका जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी जी, मंगलसूत्र जी सबूत है कि तिवारी जी को हम याद नहीं है, वरना हमारे जाते ही वो आपसे ब्याह नहीं कर लेते। हम आपको कई दिनों से देखत हैं, सब आपसे बहुत प्यार करत हैं, यहाँ तक कि आपने तो हमारे आदि को भी बदल दिया। आपने तो वो कर दिया जो हम इतने सालों में नहीं कर सके। हमारा बेटा, हमारी बहू, भारत, सब आपसे प्यार करते हैं, सब आपके ही तो हैं। हमारा कछु भी नहीं रहा। अब हमारे जीवन में बचा ही का है। हम तो बस आखिरी बार उन्हें देखने के लिए आए थे, पर हमें उनके जीवन में वापस नहीं आना है। आप चले जाइए अपनी दुनिया में वापस और जाने दीजिए हमें भी। आ रही है लक्ष्मी, 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। रेणुका जी, कहाँ चली गई हैं आप? प्लीज चुपिए मत, सामने आइए। अभी तो यहीं थी, अचानक कहाँ चली गई हैं? क्या करने आई हैं आप यहाँ पर चीचे? बोलिए, अरे बोलिए। कहीं मीरा जी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आप तो नहीं हैं? क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लोगों के दिलों और दिमाग के साथ खेलना आप अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ, मैं ना पता तो क्या बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, छोड़ो माँ, कुछ नहीं पता आपको। आपका और मीरा जी का एक ही जगह पर होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कोई बहुत बड़ी चाल है इसके पीछे। बोलिए, किसको मारने आई है इस बार आप? मुझे, मीरा जी को, या फिर भरत को? बोलिए चीची। भारत इतना क्यों रो रहा है? पृथ्वी, क्या हुआ है भारत को? भारत इतना क्यों रो रहा है? पता नहीं यार क्या हो गया भारत को। सुबह से नव्या उसको गोद में लेके घूम रही है, चुप ही नहीं हो रहा है। नव्या को लगता है कि बीमार हो गया, उसने मुझे गर्म पानी लाने के लिए भेजा। तुम एक काम करो, तुम नव्या के पास जाओ, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? थैंक यू। भाई साहब, हाँ मुकुंद जी बोलिए। हेलो, ये तो मुकुंद जी का फोन है ना? कौन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, उनका फोन मेरे पास है। एक्चुअली उन्होंने लास्ट टाइम आपको ही कॉल किए थे। हाँ हाँ, मुझे किया था उन्होंने। उनका ना एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट? आप कहाँ पे हैं मुकुंद जी? ठीक तो है ना? हेलो, हाँ आप प्लीज मुझे लोकेशन और एड्रेस भेजिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैं आपको जल्दी भेजता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी भेजिए। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ है? वो मुकुंद जी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं जा रहा हूँ। नहीं रहते, तू नव्या और अक्की के साथ घर पे रहे, मैं पावा के पास जाता हूँ। यार लेकिन तू अक्की पानी दो, अक्की दो, पकड़। मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख भारत कब से रो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और नव्या को तेरी ज़रूरत है। अगर नव्या ने तुझे यहाँ नहीं पाया तो फालतू के 10 सवाल करेगी, और गलती से भी उसे पापा के एक्सीडेंट के बारे में पता चला ना तो बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी यार। इसलिए तू यहाँ पे रह, इन दोनों का ख्याल रख, मैं वहां सब मैनेज कर लूंगा। तू पक्का हैंडल कर लेगा? हाँ मैं सब मैनेज कर लूंगा, और अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं तेरे को फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आता हूँ। ओके ऋत्विक, मुकुंद जी मासी को ढूंढने गए थे, पता नहीं मासी उन्हें मिली या नहीं। वो दोनों साथ में या नहीं? तू मासी को फोन कर। हाँ नीमी को फोन करता हूँ। वो नहीं उठा रही है। मैं भी ट्राई करो यार। हेलो, हम फंस गए हैं यहाँ बुरी तरह। हेलो मिमी, कहाँ पे हो यार आप? कब से आपका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है? Are you okay? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खड़ा के बात करती हूँ। फोन मत काटा प्लीज। मिमी, मुकुंद जी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट? मुकुंद जी का एक्सीडेंट? लेकिन वो तो अभी यही थे। हेलो मिमी, मिमी तुम स्पीकर पे हो। सुना आपने? रेणुका जी सुना आपने? आपके तिवारी जी का एक्सीडेंट हो गया है। आप भी नहीं मिलेंगी आप उनसे, प्लीज सामने आइए। मासी, मासी किससे बात कर रहे हो? मासी किससे बात कर रही है? हेलो मिमी, मिमी आप ठीक तो हो ना? मासी, मासी कुछ तो बोलो। अरे लगती है और पागल हो गई। लग तो ऐसे ही रहा है। चलो यार। मैं मुकुंद जी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं मुकुंद जी को। फोन काट दिया। आई होप वहाँ सब ठीक हो। हेलो, वो यहाँ से चली गई है, हम आए रहे। मेरी वजह से हुआ है मुकुंद जी। ना मैं भागती, ना आप मुझे ढूंढने आते, और ना ये सब होता। I'm sorry, I'm sorry। मीरा जी, आप चिंता मत कीजिए, पापा बिल्कुल ठीक है। उनके सर में बस छोटी सी चोट आई है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, उन्हें बस आराम की जरूरत है। और वैसे भी ये मेरे पापा हैं, इन्हें कैसे कुछ हो सकता है। अभी तो इनसे मैंने ढंग से माफी भी नहीं मांगी, तो ये कैसे? मीरा जी, मैं घर पे फोन कर देता हूँ, बता दो सबको कि पापा ठीक हो गए। वो लोग भी बहुत चिंता कर रहे थे। आता हूँ। नहीं मीरा जी, नहीं, अब मैं आपको अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा मीरा जी। वो जिस चेहरे से प्यार करे थे, अब वो चेहरा हमारे पास नहीं है। अब वो चेहरा आपका है, वो हमसे नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं। हमें जाने दीजिए। खुद मैंने अपने पापा होश है? इसका मतलब मुकुंद जी ने रेणुका जी को देख लिया था। आदि जी, घर पे फोन करके बता दो कि मुकुंद जी को होश आ गया है। जी लगोत जाऊंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं उसको। इस बार सारा हिसाब करना है उसके साथ। आप चिंता मत कीजिए मुकुंद जी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी उन्हें। वादा करती हूँ आपसे। आपको इतनी तकलीफ मेरी वजह से हुई है, तो चोट मेरी वजह से लगी है ना, तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगी। ढूंढ के लाऊंगी उन्हें, कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं मीरा जी, आप कुछ नहीं करेंगे। मुकुंद जी, मुकुंद जी प्लीज आप उठिए मत। मुकुंद जी शांत हो जाइए। मुकुंद जी देखिए, आपको तकलीफ होगी। मुकुंद जी प्लीज। नहीं मीरा जी, मुकुंद जी प्लीज। मुकुंद जी देखिए, मैं नहीं। मीरा पापा, देखिए आपको स्टिचेस लगे हैं, डॉक्टर ने आपको ज़्यादा से भी हिलने के लिए मना किया है। प्लीज़ आप लेटे रहिए। नहीं पापा प्लीज़, मेरा जाना जाना जरूरी आदि। डॉक्टर को बुलाओ। मुकुंद जी प्लीज़ प्लीज़ आप शांत हो जाइए। मुकुंद जी मीरा जी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं मैं खुद जाऊँगा। इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें आराम की ज़रूरत है। आप लोग किसी भी तरह की तनाव भरी बातें ना करें, इस बात का ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी। थैंक यू डॉक्टर। मीरा जी हमें साथ बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।